पुत्र इंदर सिंह है और अमरजीत सिंह भाई उदय चंद का पुत्र है। इसलिए जितना हक मुझे इंदल पे बनता है उतना अमरजीत पे नहीं। बड़ा पिता हूं इससे क्या, भाई का अधिकार जितना हो उतना मेरा नहीं। इसलिए यह बात आप भाई उदय चंद से कहें तो अच्छा रहेगा। तलत सिंह तो क्यों नहीं रुद्र सिंह का बुलाओ, मैं रुद्र सिंह से क्यों नहीं मैं अमरजीत के मांग लूं। ठीक है चाचा जी, भाई उदय चंद चाचा सैयद से मुलाकात कीजिए। ये अपने राज बनारस से चलकर अपने राज्य मेहुआ तक आए क्या? हाँ भाई, चाचा जी बनारस किला से मोहब्बत किला आ गए हैं। हाँ भाई छा प्रणाम चाचा जी, खुश हो रुद्र सिंह। रुद्र सिंह आज मैं बहुत जरूरी काम से मैं इस राज मोहब्बा आया हूं कि तेरे पिताजी मेरे संग कौलिक किए थे दोस्त, जब तुम हज के लिए मक्का मदीना जाओगे तो राज महुआ से एक आदमी आपका संग अवश्य जाएगा। क्यों नहीं, जरूर जाएगा चाचा जी। कहिए बड़े भाई साहब अमर पति आहा सरदार हैं, उन्हें ले जाइए। नहीं रुद्र सिंह, कैलाश सिंह हरदम तो देवी दुर्गा का मंदिर में पूजा पाठ में लीन रहता है। ठीक है चाचा जी, भाई साहब नहीं जाएंगे तो मैं रुद्र सिंह जाने के लिए तैयार हूं। रुद्र सिंह जब तुम मुझको संग जाओगे, तुम जानते हो कि देश विदेश का छात्री इस महुआ पर आंख गड़ा के रहता है। अच्छा, तुम चले जाओगे तो देश विदेश का छत्री इस महुआ पर चढ़ाई कर देगा। चाचा जी अगर हमें नहीं ले जाते हैं, बेटा इंदल सिंह है उसको आपके साथ कर देता हूं। उदल सिंह इंदल तो पढ़ाई में लीन है, इंदल की भी नहीं ले जाऊंगा। क्यों क्यों, इंदल पढ़ने में मन लगा के पढ़ रहा है। चाचा जी जब तीन आदमी में किसी को नहीं ले जाइएगा फिर किसे ले जाएंगे आप? रुद्र सिंह तुम्हारा जो पुत्र है अमरजीत उसको मुझको दे दो। अमरजीत सिंह को आपके साथ कर दें? हाँ, जो अमरजीत सिंह अभी चलने लायक नहीं है। ये भला बताइए चाचा जी अमरजीत सिंह कैसे जाएगा मक्का में बिना हज पर? रुद्र सिंह जब अमरजीत चलने लायक नहीं है ना, मैं उसको मैं गोद में लेकर और हज के लिए मैं मक्का मदीना में जाऊंगा। बस चाचा जी जो बात अपने जवान से निकाल दिए हैं दोबारा ना निकाले वही में भलाई है। क्या अमरजीत सिंह अभी नादान बच्चा है, माँ का दूध पीता है, भला बताइए वो हज पर कैसे जाएगा? रुद्र सिंह ने कहा ना अपने पुत्र समान में ले जाऊंगा और हज करके मैं वापस में आऊंगा। फिर चाचा जी मैं तो अमरजीत सिंह को जाने के लिए नहीं दूंगा। रुद्र सिंह क्या तेरे पिताजी का बाप आज झूठ चला? ठीक कहता है लोग, हिंदू का बात का कोई विश्वास नहीं है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। चाचा जी जो बात आप जुबान से निकाल दिए वो दोबारा ना निकाले वही भलाई है। क्या तुम अमरजीत को नहीं दोगे? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ज्यादा अगर बोल दिए ना, अगर रुद्र सिंह का खोपड़ी अगर घूम गया तो फिर तो किसी को नहीं है। रुदल रहते रे माना माम हाँ जकारे कई कई
नहीं दूंगा। अरे अमरजीत को मैं यहाँ से ले जाऊंगा। आप अमरजीत को ले जाइएगा। हाँ मैं जाने के लिए नहीं दूंगा। मैं तो कह दिया कि मैं अमरजीत को मैं मोहब्बत से मैं ले जाऊंगा। चाचा जी मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप बात मान लीजिए, वही भलाई है। मैं कह दिया रुद्र सिंह जो सैयद पेपर पर उठा लेता है ओ बात दोहराता नहीं है। चाचा जी हाँ मैं आपको पहले बोल दिया हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। मैं जाने के लिए तैयार है, फिर क्या आप जिद कर रहे हैं अमरजीत सिंह को ले जाऊंगा? नहीं मैं अल्लाह सिंह के लिए जाऊंगा। अल्लाह ही तुमको ले जाऊंगा, नहीं मैं इंदल के ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा तो अवश्य अमरजीत को। चाचा जी दोबारा बोल दे तूने ये क्या कर दिया? अपने पिता समान जो तुम्हें पाल पोस के पड़ा किया मुझे गिरे बाल पर तूने हाथ डाल दिया। तूने अच्छा नहीं किया। अरे बेटा के समान मारे रुदल रे बसलो बनारा में दिया। अल्लाह सिंह जो तीर से बाण एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। ये सैयद का मुसलमान जो मैं कह दिया वो बात वापस होने वाला नहीं है। भाई उदय चंद। हाँ दादाजी। अचानक ये क्या से क्या हो गया? तूने क्या कर डाला? दादाजी आप तो चाहते हैं रुदा सही उल्टा बात नहीं देखता है। चाचा जी शराब दे गए,
जैसे तूने मेरे गिरीवान पर हाथ दिया वैसे अंगन में कुष्ठ फूट जाएगा। दादाजी हाँ भाई इधर चंद चाचा जी जब कसम दे दिए हैं और बोल के गए महबूबा किला में रहोगे, खाना खाओगे गाय का मांस खाओगे, पानी पियोगे गाय का रक्त पियोगे और बुखार भी जब धोगे गाय का हड्डी धोगे। दादाजी हाँ भाई से कुछ नहीं होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दादाजी हाँ बेचन मैं महबूबा किला में अब एक पल नहीं रुकूंगा, क्योंकि महबूबा किला से मुझे निकलना पड़ेगा यहां से, क्योंकि जो बात मुखारबिंद से निकल गया वो होके रहेगा। हाँ बेचन तुम जानते हो ये राज महबा तुम पे टिका है, अगर तुम राज महबा से निकल जाओगे तो राज महबा का विनाश निश्चित है, इसलिए तू कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो तो कहीं नहीं जा रहे हो। दादाजी मैं महबा से जा रहा हूं, मेरी पत्नी रानी भूला है, मैं आपके ऊपर सौंप के जा रहा हूं, मेरी पत्नी को अपने बेटी के समान रखना, मेरा बेटा अमरजीत सिंह है, 5 वर्ष का नादान बच्चा है वो, अहबार है क्या दुलार करी हो छोटका बेटा बा, क्या तुम कहोगे तब मैं दुलार करूंगा रुमल से, जी
मर गया, जिस दिन मैं शराब से मुक्त हो गया, अगर बच गया तो मोहब्बा किला आऊंगा लौट करके, नहीं बचा तो जान जाइएगा कि मेरा उदय चंद्र भाई दुनिया में नहीं है। मैं उदय चंद्र अपनी जुबान से इसी शब्द मत निकाल। अरे काला जोरी कहीं और रही, अरे रुदला रैया दादाजी। आज तक जिसे किस्मत में जो बात लिखा है वो आज तक कोई नहीं मिटाया है। मेरा किस्मत में यही लिखा है जो अंग अंग में कुष्ठ फूट जाएगा तुझे। क्या मैं आपके ऊपर बेटा पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा बेटा और पत्नी को आप याद रखिएगा, अपने जान से भर के उसे प्यार दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ तुम जा रहे श्री, मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं ये सब बातें मत बताना, पर मुलाकात तो कर लो अपने भाभी मां समान जो है उनसे, अपनी पत्नी से। मेरा कहा मानो चंद, उसके बाद तुम चले जाना, ये बातें मत बताना। ठीक है दादाजी। कहाँ गे लखिया भेला भाभी जी हमारा, जापान गला
खुशी में देवर जी, देवर जी क्या बात है, आज तुम बड़ी मन उदास करके रखे हो, ऐसी कौन सी बात है देवर जी, आप बताएं मुझे। आहे जुलुमा, क्या देवर जी, गुजरल भाऊजी है तोरा दे जी, ऐसी कौन सी बात हो गई है, ऐसी कौन सी बात है जो आज आंसी आंसू बहा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगते हैं, हे देवर जी आप हंस के मुझसे बात करो ना, क्योंकि आप एक तेगा चलाने वाले जंगली रुदल कहलाते हैं इस महवा राज में, हे देवर जी अगर आप आंसू बहाते हैं तो ये महवा राज बिकार हो जाएगा, हे देवर जी। भाभी जी आज तुम्हारे देवर के ऊपर से पहाड़ गिर गया है, क्या देवर जी, ऐसी कौन सी पहाड़ गिर गए हैं जो आप आंसू बहा रहे हैं। चाचा जी बनारस किला के मोहब्बत किला आए हुए थे। अच्छा चाचा जी हज पर जा रहे थे। हाँ आला सिंह कुमार बोले जो मेरे साथ हज पर चलो, मैंने बोला बड़े भाई साहब आला सिंह है उन्हें ले जाइए, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इंदर सिंह मेरा बेटा है वो जाने के लिए तैयार है। उसके चाचा जी जिद बांध दिए, वो बोले नहीं मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, जब ले जाऊंगा तो अमरजीत सिंह को ले जाऊंगा, मैंने अमरजीत सिंह को जाने से इनकार कर दिया। चाचा जी जिद बांध दिए, मैंने हमें गुस्सा आ गया, चाचा जी गिरीबान पकड़ लिए, क्या चाचा जी मुझे शराब दे दिए हैं, जा रहे रुदा सिंह जिस तरह से तुम मेरा गिरीबान पकड़ा है उसी तरह से तुम्हारा अंग अंग में कुष्ठ फूट जाएगा, मोपा किला में तुम नहीं रह पाओगे, मोपा किला तुम्हें भोग नहीं हो पाएगा। नहीं देवर जी ऐसी वचन मत बोलो देवर जी। भाभी जी ज्यादा विलंब मुझे ना करो, क्योंकि मुझे मोपा किला में ही कुष्ट फूटना शुरू हो जाएगा। भाभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, रानी फूला को अपने बेटी बना के रखना, मेरा बेटा को अपने बेटा बना के रखना, और अगर मैं बच गया तो मोपा किला आऊंगा लौट करके, नहीं मर गया तो सोच लेना मेरा देवर मर गया दुनिया में जा रहा है। Thank you.
लागे छियो खुश रहो। हे भगवान, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज हमारे देवर जी को अंग अंग कुष्ठ फूटने लगे, उससे आज ऐसा उसके आवश्यकता हो गया कि अपनी पत्नी से भी नहीं मिल चुके, ना जाने किधर चला गए हैं। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ मंत्री अपनी महल आराम करने के लिए। और हमारा तन घोर मुझे बहुत तो रो भेज देता हूँ क्या तो बात सकते हैं। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है चाचा। आए लगभग हो।